लाइफ की हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खाने देवता जो स्वाहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी अतल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आरके रजनी के घर पे भूमि पूजन हो रहा है, जो कि एकदम कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। और पूरा वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से भूमि पूजन होती है। खुशी का माहौल है, सभी लोग खूब खुश हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हो गया भूमि पूजन का। और अभी यहाँ पे बाबा जी हैं जो मंत्र वगैरह पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे भूमि पूजन होने जा रहा है, जो कि रजनी भाभी और कौशल भाई बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ देखिए, और चारों तरफ पानी ही पानी है। और यहाँ पे हमारे बाबा जी कहाँ गए? और यहाँ पे आम का लकड़ी है, और यहाँ पे गुड़िया भाभी और हमारे जेपी भैया। कैसे हैं भैया? एकदम ठीक। चलिए ठीक ही चाहिए। हे भव तारिणी पावन शोक विनाशिनी गंगा शंभु जटा में विराज रही शुभदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सुचि अमृत धारे प्रवाहिनी गंगा कष्ट हर दुख दूर करो वरदायिनी मोक्ष प्रदायिनी गंगा यमुना दिव्य नमः सरयू सरस्वती दिव्य नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि प्रणमामि नमस्करोमि मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारित बंधकारी भानुसुति भूमि कौदस्य गुरुच सुकृत्सन राहु केतव सर्व देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो दोस्तों यहाँ पे हवन हो गया है, बस लास्ट चल रहा है। चला चला हाँ वही है। दोस्तों जोड़ैया शुरू होने जा रहा है। ए पैतिया वाले मुरियम लगा, मिस्त्री लगा है। हाँ मिस्त्री लगा, उनके उनके अंदर विश्वकर्मा भगवान के ध्यान करा। विश्वकर्मा भगवान के ध्यान मिस्त्री ना, मिस्त्री समझ के। हाँ मिस्त्रियों ना समझ के पहले हल्दी लगाई। हल्दी और लाल चंदन इसे लगाइए भाई, लगाइए कैमरा चालू है भाई। देखिए मिस्त्री जी को कैमरा लगाइए, ठीक है? लगा चाहिए सर्वदाम एको पिलर ट्रेनर भी चाहिए। साहूल लिखना है। ये हैं जीजा जी, लेकिन आज मिस्त्री हैं यहाँ पे, इनको दक्षिणा मिल गया है। क्या बात है लेबर। ए बाबा लेबर नहीं पहुँच रहे। हाँ लेबर को भी मिलना चाहिए बाबा जी। हाँ उनको उनको भी टीका लगवाइए, टीका लगवाइए। ले एक बड़े ओ क्या बात है। ये रहेंगे परमानेंट लेबर जब तक घर नहीं बनके कंप्लीट हो जाता है। मिस्त्री चेंज हो जाएंगे लेकिन लेबर नहीं। पूरा चावल उठा लीजिए जितना मुट्ठा माप होगा, थोड़ा बचा दीजिए। जल्दी मुट्ठी खोल। तो दोस्तों पूजा संपन्न हो गया है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, दुर्गा मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो दोस्तों यहाँ पे पूजन भूमि पूजन जो था संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। बारिश अब जा करके होने वाली है, कैसा लगा आप लोगों को? दोस्तों बहुत खराब लग रहा था, लेकिन अरे जो समय होता है वो नहीं था। जब समय हुआ तो बंद हो गए, अब फिर समय खत्म होने वाला है, फिर बारिश। अच्छे काम में बारिश होना मतलब एक शुभ माना जाता है, कि इतना बड़ा काम वो भी अच्छा काम था और बारिश हो गया, तो खुश होना चाहिए ना कि रोना चाहिए, ठीक है? बहुत ही लोग आए थे, सब पूरा मारे पूरा एकदम घर और हम सब सोचे थे इतना मेहमान आएंगे कुछ अच्छा से होगा, लेकिन बारिश हो गया, फिर भी हो गया। हो गया कोई बात नहीं, जिंदगी की हमारे लाइफ की हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वो क्या बोलते हासिल हो गया। चलिए क्या हासिल हो गया आप लोग समझ ही गए। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी के मारे समझे रोना आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल दीजिए, रोना आ रहा तो रो दीजिए।
हमारा सबसे बड़ा सपना था हमारा घर बन जाए था, आज हमारा घर बनना आरंभ हो चुका है। तो स्टार्ट आज उसका साइज था और माता रानी की कृपा से पब्लिक का प्यार मिला और हमारी मेहनत रंग लाई और आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अगली बार लोग आएंगे तो ये दिक्कत नहीं होगा रजनी, अगली बार आएंगे तो उद्घाटन रहेगा घर का उद्घाटन रहेगा और उसके बाद सबको इनवाइट रहेगा। बस आप हिम्मत रखिए। तो दोस्तों वीडियो को कर देते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी यात्रा।